आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नज़र आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। महनार विधानसभा वैशाली प्रभारी डॉक्टर विपिन कुमार के मार्गदर्शन में आम आदमी पार्टी ने चलाया सदस्यता अभियान। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक विशेष रिपोर्ट। वैशाली जिले में आज दिनांक 4 अप्रैल 2022 को महनार विधानसभा प्रभारी डॉक्टर विपिन कुमार के मार्गदर्शन एवं महनार छात्र संघ प्रखंड प्रभारी अभय कुमार शाह की अध्यक्षता में लावापुर नारायणपुर महनार में आम आदमी पार्टी की सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें काफी लोगों ने पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। लोगों को पार्टी के टोपी पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस कार्यक्रम में बब्बी कुमार, पंकज कुमार पासवान, अंकित राज, विद्यम कुमार, लालन कुमार, अविनाश कुमार, राहुल कुमार, रोहित कुमार, रंजीत कुमार, निखिल कुमार, राजा कुमार, ज्ञान तोष कुमार, विकास कुमार, अशोक कुमार राय, अरुण कुमार राय इत्यादि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक में इत्यादि वैशाली जिले के महनार प्रखंड से दिलीप यादव की रिपोर्ट। आज का जो बैठक रखा गया है वो सदस्यता अभियान के लिए रखा गया है। पंजाब में जीत के बाद सभी राज्यों में एक चर्चा के विषय बनी हुई है और सभी राज्य चाहता है कि दिल्ली मॉडल बिहार में भी आए और शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून एवं बिजली फ्री, पानी फ्री जैसे अरविंद केजरीवाल जो दे रहे हैं वो सभी बिहार वासियों भी चाहते हैं। हम लोग को भी दिल्ली की सारी सुविधाएं मिले, जैसे कि आप देख रहे हैं महिलाएं के लिए यात्रा फ्री, बच्चा के लिए पढ़ाई फ्री, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए इंजीनियरिंग करने के लिए फ्री और साथ में बिहार में जो देख रहे हैं कानून का कितना बेदहाल हो रहा है, पढ़ाई का स्थिति कहां से कहां जा रहा है, भूत बत्र होते जा रहा है, स्वास्थ्य के बिना, इलाज के बिना रोगी मरे जा रहे हैं और कानून सिर्फ दारू खोजने में और बालू खोजने में व्यर्थ है। दिन पर दिन हत्या हो रही है, दिन पर दिन बलात्कार हो रहा है, इसलिए आम आदमी पार्टी 2024 में और 25 में सभी सीट पर चुनाव लड़ेगी और अरविंद केजरीवाल जी का हाथों का मजबूत करेगा। आज से कुछ दिन पहले दारू में 200 कुछ आदि मारे गए और नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं दारू बंद है। अरे दारू अगर बंद होता तो दारू आया कहां से? यहां सब अफसरशाही के सेटिंग से दारू भी आ रहा है और दारू जहरीली शराब से सभी गरीब आदमी की मौत हो रहा है।